है एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड हाइड्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वॉट एसिड बेस्ड हाइट्रेशन एक्चुअली इज हम मेजरली और अगर हम ध्यान से देखें तो एसिड बेस्ड हाइट्रेशन में हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम या तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ एन एसिड और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ बेस सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा उस एसिड बेस की स्ट्रेंथ कैसी है हमारे जो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन है उसको हमने डिवाइड किया है इन Four types. So, on the basis of strength of acid and base used, acid base titration are majorly classified as titration of strong acid with strong base, weak acid with strong base, weak base with strong acid, weak base with weak acid. So, these are the four conditions that we see in classification of acid base titration. नाउ फर्स्ट वी हैव टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड विद स्ट्रांग बेस इसमें हम क्या करेंगे हम कोई भी एक स्ट्रांग एसिड लेंगे और इसको रिएक्ट करवाएंगे विद एन अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड ये चीज़ हम सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है ओके सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉग एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी गिवन एज दिस अब वैन वी रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सॉल्ट ठीक है तो इसमें क्या होगा हमें न्यूट्रलाइजेशन कर्व इस तरह से ऑप्टेन होगा मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है सिंस हमारा एसिड स्ट्रांग है तो हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी ओरिजिन से होगी क्योंकि जितना uh, हमें पता है कि जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक uh, होगा सबसे ठीक है तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है इट इज़ अ कर्व बिटवीन पीएच एंड द वॉल्यूम ऑफ एल्कली नाउ अब क्या है हमारा हमने क्या करा ओरिजिन से हमारा स्टार्ट है तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग uh, एसिड का कन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और पीएच भी हल्के हल्के बढ़ता रहेगा और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा एंड पॉइंट और फिर क्या होगा क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो जैसे जैसे हमारा फिर उस एंड पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसके उतना ज़्यादा हमारी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी और पी भी बढ़ता जाएगा सो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन करट वी ऑब्टेन इन द केस ऑफ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉग एसिड विद स्ट्रॉन्ग वेज सिम्पल टर्म्स में अगर हम देखें तो ये तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व था बट एक्चुअल में हो क्या रहा था जो हमारा ब्यूरेट था उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा था ठीक है उसके बाद हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क था उसमें हमने एच सी एल ले रखा था टाइटरेट इज द सब्सटेंट दैट इज अनोन एंड टाइट्रेट इज द वन दैट इज नोन हमारा नॉन सॉल्वेंट था ठीक है अब हमने जब धीरे धीरे इसकी नॉब को टर्न करना स्टार्ट करा तो हमारा ये जो एसिड सोल्यूशन था धीरे धीरे बेसिक बनना स्टार्ट हो गया तो हमारा पी चेंज होना स्टार्ट हुआ पर एक पॉइंट में हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफटेन हुआ और यही हो गया हमारा एंड पॉइंट नेक्स्ट वी हैव टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉग बेस इसमें वॉट डू वी हैव हमने वीक एसिड लिया है एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉग बेस अगर आपको फर्स्ट वाला समझ आ गया कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व हमें कैसे ऑप्टेन हुआ तो हमें बाकी सारे टाइप्स भी आसानी से समझ आ जाएंगे एक्चुअल में हुआ क्या था जो जितना हमारा ज्यादा एसिडिक है इतना स्ट्रॉन्ग अगर हमारा एसिड है तो उसका जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वो हमें ओरिजिन से ऑप्टेन होगा अब सिंस यहाँ पे वीक तो जो हमारा कर्व ऑप्टेन होगा वो हमें ओरिजिन से स्लाइटली अपवर्ड ऑप्टेन होगा क्या हुआ ये तो हमारी रिएक्शन हो गई हमें सोडियम एसिटेट मिल गया एज अ सॉल्ट फिर अब देखिए ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व है द कर्व विल बी सेम क्योंकि बाकी की रिएक्शन हमारी सेम है सिमिलर टू द प्रीवियस रिएक्शन बट यहाँ पर क्या है हमें ओरिजन से नहीं ऑप्टेन होगा क्यों क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है या फिर जो हमारा एसिड uh, है वो हमारा एक्चुअल में वीक एसिड है तो इसलिए हमारा पी एच उसका थोड़ा सा कम होगा कम्पेरिटिवली ठीक है या फिर ज्यादा होगा वी कैन से नाउ वी हैव टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड अब वीक बेस में हमने ली है एक्वस अमोनिया और स्ट्रांग एसिड में एज वी ऑलरेडी हैव एच सी एल ठीक है तो इसमें क्या हुआ वी रिएक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी ऑप्टेन अमोनियम क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट अब इसमें क्या हुआ अब हमारी कंडीशन चेंज हो गए अब जो हमारा रिएक्शन है वो एसिड से स्टार्ट नहीं है वो हमारी बेस से स्टार्ट है वीक बेस का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं विथ स्ट्रॉग एसिड तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व हमें ऑप्टेन होगा वो हमें ऑप्टेन होगा अपवर्ड डायरेक्शन से क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा पी होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा ठीक है पर अभी भी हमारा हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है इट इज़ ऑन टेन मतलब जो इट इज़ लेस बेसिक इन नेचर ठीक है तो ये हो गया हमारा वीक बेस उतना फिर पीएच कम होता गया एंड वी गेट अ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और एंड पॉइंट और फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इट कम्स एंड रिचेज टू द ओरिजन क्यों होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा और इसलिए उसका पीएच उतना कम होता जा रहा है ओके फिर इन दिस टाइट्रेशन, ड्यू टू हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स, द पी एच ऑफ सोलूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी लेस देन सेवन ये हो गए हमारी कंडीशन फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रग वीक बेस विद स्ट्रांग एसिड नाउ वी हैव टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद वीक एसिड वीक एसिड विद स्ट्रग बेस ठीक है तो इसमें क्या है हमने लिया है वीक एसिड एसिटिक एसिड एंड वीक बेस वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड की रिएक्शन वैन वी परफॉर्म विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड वी गेट अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम एसिटेट सिमिलर टू द प्रीवियस रिएक्शन हमारा जो कर्व है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम द बेस ठीक है और उसके बाद हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा जो भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा और उसके बाद सिंस वीक एसिड है तो ओरिजिन uh, से ऊपर ही रहेगा हमारा जो कर्व है ठीक है तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस नाउ लेट सी वॉट न्यूट्रलाइजेशन करडी डिस्कस दूटेशन एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा इट द डेफिनेशन हम इसकी वी कैन से ग्राफ था अ करव बिटवीन पी एच ऑफ टाइट्रेट मतलब अननोन सॉल्वेंट जो हमने ब्यूरेट में ले रखा है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मतलब जो हमारा नॉन सॉल्वेंट है दैट इज़ यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और ये हम लेंगे एट द वाई एक्सिस